तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। प्रणाम मित्रों, क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे घर में एक ऐसा जीव है जिससे हम कहीं बार घबरा जाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह हमारी कौन सी बेदरकारी रखने से उत्पन्न होता है? उसे देखते ही क्या हम उसे कुचल देते हैं? क्या हमें इसकी हिंसा से बचना है? क्या इनसे छुटकारा पाना है? तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। रसोई की अलमारी में, बाथरूम में या गटर आदि में बार बार दिखाई देने वाले कॉकरोच से कौन अपरिचित है? अलमारी में किसी कोने से अचानक बाहर निकलते हुए इस जंतु को देखकर कहीं लोग घबरा भी जाते हैं। यह जंतु खास करके गंदगी में उत्पन्न होता है। रसोई में साफ सफाई ना होने से, जूठा खाना पड़ा रहने से, कचरा रहने से या नालियां आदि में सफाई ना रहने से, जहां पर कचरा इकट्ठा होता है वहां पर कॉकरोच की उत्पत्ति होती है। कॉकरोच की जीर्णता के लिए अहिंसक उपाय: वॉश बेसिन, मोरी, बाथरूम, वॉशरूम आदि में सतत गीलापन ना रहने दे। शाम को बर्तन धोने के बाद मोरी को साफ करके सारा पानी पोंछ के तथा आजू बाजू व ढक्कन पर केरोसिन से पोंछा लगा ले। एक कार्टून या डिब्बे में नारियल के छिलके, पुराने कपड़े, खाखरे या कड़क पूरी के टुकड़े रख दीजिए। इस कार्टून या डिब्बे को कॉकरोच वाले स्थान पर रख दीजिए। कॉकरोच डिब्बे या कार्टून में भर जाएंगे। 4-5 दिनों के बाद संध्या के समय में इस डिब्बे या कार्टून को दूर निर्जन स्थान पर जाकर खाली कर दीजिए। इस तरह बार बार करने से कॉकरोच पूरी तरह से निकल जाएंगे। किटकरी के द्रावण में केरोसिन की 3-4 बूंदे डालकर नीलगिरी द्रावण से या पिपरमिंट के तेल वाले पानी से पोछा करने से भी कॉकरोच नहीं आते हैं। कड़ी चूना भरने से भी कॉकरोच भाग जाते हैं। नीम के तेल में कपूर डालकर छाटने से कॉकरोच नहीं आते हैं। देवी का महादेविया प्रोडक्ट्स की हर्बल मेडिसिन घर में लगाने से भी कॉकरोच नहीं आते हैं। एक छोटा सा जीव और कितना बड़ा झेना का विचार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों या परिवारों से शेयर कीजिए और झेना के आगे एक कदम और आगे बढ़िए। प्रणाम। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारी चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहेंगे। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।